दोस्तों डाउन टू अर्थ में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नौगछिया से कुर्सेला यानी कि भागलपुर और कटिहार ज़िले में जो बाढ़ आई हुई है, क्या हालात बन गए हैं यहाँ गंगा और कोसी में जो बाढ़ आई है उसके कारण लोगों के रहन सहन पर बेहद बुरा असर पड़ रहा है। पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है, लोगों के मकान कच्चे पक्के सभी पानी में डूब चुके हैं, लोगों ने NH के किनारे शरण ले रखी है और स्थिति काफ़ी भयावह नज़र आ रही है। सितंबर का महीना चल रहा है, हालात अब भी सुधरे नहीं है। ये बाढ़ जो है वो अगस्त से शुरू हुई थी और पूरा महीना निकल गया, लेकिन लोगों की स्थिति अब भी जस की तस बनी हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लोगों ने तंबू और जो टेम्प्रोरी बेसिस पे यहाँ फूस के भी मकान बना रखे हैं। दोस्तों इस बाढ़ के नज़ारे के बीच इन नौजवानों का हौसला कम नहीं हुआ है और ये फौज में जाने की तैयारी करते हैं। अक्सर आप इस रास्ते से होकर गुजरेंगे तो ये नौजवान जो है वो आपको दौड़ते हुए मिल जाएंगे। दोस्तों जैसा कि आप अभी देख सकते हैं, पानी में शैवाल की एक लेयर आ चुकी है जो काफ़ी दिनों से पानी यहाँ जमा है, जिसके कारण ये समस्या उत्पन्न हुई है। दोस्तों अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार में हर साल गंगा, कोसी और इनकी सहायक नदियों में बाढ़ आती रहती है, लेकिन नेशनल मीडिया में इसे अब उस तरह की कवरेज नहीं मिल पाती है। तो बिहार की ये जो त्रासदी है वो बिहार के लोगों तक ही सीमित रह जाती है और उन्हें अब इसकी आदत सी हो चुकी है। तो अभी आपने कटरिया स्टेशन को देखा, आप जब भी इधर से गुजरेंगे तो कटरिया स्टेशन पे आपको एक मालगाड़ी की रेक लगी हुई मिल जाएगी। दोस्तों बात करें अगर NH 31 की, तो यह खगड़िया पूर्णिया का जो सेक्शन है, पूरे बिहार में सबसे अधिक सड़क हादसा इसी रोड पर होता है। आप देख सकते हैं एक्सीडेंटल व्हीकल्स जो है वो सड़क के किनारे पार्क किए हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं तटबंध को बचाने के लिए प्लास्टिक बैग्स में पैकिंग की गई है और बाढ़ से बचने की जद्दोजहद वो जारी है। और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं NH 31 ROB है, यहाँ से कटिहार बरौनी मेल लाइन जो गुजरती है उस पर ये ROB बनी हुई है। तो NH जो है वो इस रेलवे ट्रैक के ऊपर से जब गुजरती है तो ये मालगाड़ी की रेक जो अभी लगी हुई है, एक अच्छा फीलिंग आती है। रेल फैंस के लिए तो ये जगह एक रोमांचक सा अनुभव देने वाली है। तो दोस्तों जैसे ही हम कुर्सेला की ओर बढ़ते हैं बाढ़ की स्थिति और भी भयावह होती जाती है। आप देख सकते हैं अभी हम कोसी ब्रिज को अप्रोच करने वाले हैं और ये जो तटबंध आप देख रहे हैं उसके पार ही वो कोसी नदी है जो बिहार में हर साल बाढ़ का कारण बनती है। आप देख सकते हैं अभी कोसी नदी जो है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और लगभग 1.5 महीने से ये स्थिति बनी हुई है। तो दोस्तों ये है वो जगह जहां NH 31 पर बाढ़ का पानी आ गया था। आप देख सकते हैं यहां प्लास्टिक के बैग्स में पैकिंग की गई है और कटाव से सड़क को बचाने की कोशिश जारी है। NH पर बाढ़ के पानी की अवशेष को आप अभी भी देख सकते हैं किस तरह से यहां सड़क पर पानी आई हुई थी।
तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं जूट यहाँ पे सुखाई जा रही है। यह कटिहार का इलाका है, पूरा सीमांचल जूट की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल डाउन टू अर्थ को सब्सक्राइब जरूर करें।